हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर बैक अगेन विथ आवर डेली करंट अफेयर्स। हो तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 अगस्त 2020 के कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पॉर्टेंट है। इसके तुरंत बाद ही हमारा द हिंदू का एडिटोरियल से रिलेटेड वोकैब भी आता है, जिसमें हम लोग कुछ एक वर्ड को सेलेक्ट करते हैं हमारे अपने दोनों एडिटोरियल से, जो कि वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का एग्जाम देने वाले हो या फिर रेलवे का एग्जाम देने वाले हो, ये सारे एग्जाम के लिए ये दोनों लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो लेक्चर में जाने से पहले हम लोग एक न्यूज देख लेते हैं, जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए रहता है। हमेशा की तरह COVID-19 में टॉप पे बना हुआ यूएसए, सबसे ज्यादा कोरोना के केस वही है, उसके बाद ब्राजील, फिर इंडिया। इंडिया में अराउंड 2 मिलियन के आसपास पहुंच चुका है, टोटल डिसीज है 40,000। हाँ, एक चीज अच्छा है कि इंडिया का रिकवरी रेट काफी अच्छा है बाकी देश की तुलना में। ये तो प्रूव हो गया कि यहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम बाकी देश के लोगों से ज्यादा तगड़ा है। इंडिया में सबसे ज्यादा टॉप पे बना है महाराष्ट्र, सेकेंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे आंध्र प्रदेश। चलते हैं अपनी न्यूज की ओर। ये न्यूज ऐसे आप लोगों को जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया है अयोध्या में राम मंदिर का, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, इसलिए इस पर टाइम देना बेवकूफी होगी। इस न्यूज को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। सुशांत सिंह के केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है, वो भी बिहार गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे। तो चलिए अपनी न्यूज की ओर चलते हैं। आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को छीन लिया गया था, और उसके साथ ही वहां पर जितने सारे अच्छे अच्छे लीडर थे, अच्छे लीडर क्या बोला जाए, जो भूतपूर्व लीडर थे जिनसे गवर्नमेंट को लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि अराजकता फैलाई जा सकती है, उन लोगों को होम डिटेंशन में डाल दिया गया था। तो काफी सारे लीडर्स को होम डिटेंशन से रिहा भी किया गया और काफी सारे लीडर्स अभी भी होम डिटेंशन में है। तो ये न्यूज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि कैसे अभी भी सिक्योरिटी के काफी तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं वहां। इसमें से एक डिक्लेरेशन आता है, गुपकर डिक्लेरेशन, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे न्यूज में कहीं पे। हाँ, ये रहा आपका गुपकर डिक्लेरेशन। गुपकर डिक्लेरेशन क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि ये गुपकर डिक्लेरेशन किस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, किस स्टेट का ये डिक्लेरेशन है। तो गुपकर डिक्लेरेशन जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 4 अगस्त 2019 को बनाया गया था। किसके द्वारा? ये 20 कश्मीरी लीडर जो कि अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, द पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, सीपीआईएम, ये सब पार्टी से बिलोंग करने वाले 20 कश्मीरी लीडर फारूक अब्दुल्ला के गुपकर रेसिडेंस में मिले और उन्होंने वहां पे एक सेक्ट बनाया जिसको बोलते हैं गुपकर डिक्लेरेशन। इसके कुछ एक डिमांड थे, आप डिमांड यहाँ पे देख सकते हैं, मैं उतना रीडिंग नहीं लगाऊंगा, मैं एक जिस्ट बता देता हूँ इस डिमांड का क्या है। कि उन लोगों के डिमांड का सबसे बड़ा जिस्ट था कि जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे, अगर उस पर कोई भी हमला होगा तो उसको वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के ऊपर एग्रेशन के रूप में देखेंगे, यानी कि वो देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, ये हमारा दूसरा था। और तीसरा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और अदर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इन सब के बारे में अवगत कराएंगे और उनसे अपील करेंगे कि वहां के लोगों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके। ये इसका 3 मेन पॉइंट था हमारे गुपकर डिक्लेरेशन का। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये कहाँ के का डिक्लेरेशन है, ये जम्मू एंड कश्मीर का है। गुपकर क्या है? यहाँ पे एक रेसिडेंस है फारूक अब्दुल्ला के, मतलब वहाँ के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे उनका एक रेसिडेंस था गुपकर रेसिडेंस, जहाँ पे 20 कश्मीरी लीडर मिले थे, इसलिए उसका नाम दिया गया गुपकर डिक्लेरेशन। सेकेंड न्यूज की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए है कि लोग टीचर्स की वैल्यू नहीं करते हैं। यहाँ देखिए, ड्यूटा राइट्स टू सीएम टू रिलीज स्टाफ सैलरी, यानी ड्यूटा क्या है? द दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया सीएम अरविंद केजरीवाल जी से कि कम से कम अब उन लोगों की सैलरी दी जाए, क्योंकि सैलरी अराउंड 1500 लोगों की सैलरी पिछले 2 मंथ से नहीं दी गई है। कई सारे लोगों की सैलरी तो कितने ज्यादा मंथ से नहीं दी गई है, बिहार सरकार में 4 से 5 मंथ से लोगों की सैलरी नहीं दी गई है। कितना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि टीचर के लिए इकलौता व्यवसाय क्या है? बच्चों को पढ़ाना, उससे अर्जन करना, चाहे वो प्राइवेट टीचर हो या सरकारी टीचर हो। कम से कम सरकारी टीचर को तो इतना सुविधा दी गई है कि बाद में उसे पैसा वापस मिल जाएगा सरकार के द्वारा, बट आप सोच सकते हैं प्राइवेट टीचर की कितनी बुरी हाल है। कितने सारे परिवार से प्राइवेट ट्यूटर के बलबूते पर चलते हैं, तो उसके फैमिली का मेन इनकम जो है उसके पढ़ाने से होता है, बच्चों को पढ़ाने से होता है, बट ये कोविड काल में लोग दूसरों के घर जा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते। सो प्लीज़ टीचर को रिस्पेक्ट करें, जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें, और अगर आपसे हो सके तो आप जो फी दे रहे देते थे पहले उस फी को
देते रहे, कंटिन्यू करें, जो कि उनको भी थोड़ा मदद मिल जाए, हेल्प मिल जाए और उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा खराब ना हो। ये न्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, बट एक इन्फॉर्मेशन न्यूज़ था कि ड्यूटा ने, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने अरविंद केजरीवाल जी को एक लेटर लिखा और कहा कि हमारी सैलरी कम से कम दी जाए, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी खराब होते जा रही है। ब्रूस रिजेक्टेड सेटलमेंट साइट ऑफर, यानी ब्रू ने एक बार फिर से सेटलमेंट साइट के ऑफर को ठुकरा दिया है। ये क्या था, ब्रू क्या है? अब पहले ब्रू के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर न्यूज पे आएंगे, क्योंकि उससे समझने में ज्यादा आसानी होगा। ब्रू को एक और कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं रियांग कम्युनिटी। रियांग कम्युनिटी, इसी को ब्रू और रियांग कम्युनिटी जो इंटरचेंजेबल नेम है, आप लोग इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 3 स्टेट पे फैला हुआ है, त्रिपुरा, मिजोरम एंड पार्ट्स ऑफ साउथर्न असम। थोड़े थोड़े पार्ट्स में असम में भी ये फैला हुआ है। ब्रू पॉपुलेशन जो थे ओरिजिनली थे मिजोरम के, बट ये 1997 में त्रिपुरा भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि कुछ एक इशू आ गया था 1997 में, वहां पे कुछ ऐसा इशू आया था मिजोरम में, मिजोस के साथ, मिजोस भी एक कम्युनिटी है जो कि मिजोरम की कम्युनिटी है, उनके साथ एक इशू आया जिसके कारण ब्रू कम्युनिटी के लोगों के घर को जला दिया गया, जिसके कारण ब्रू वाले लोग मजबूर हो गए कि वहां से छोड़ के वो त्रिपुरा की ओर निकल सकें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मिजोरम और त्रिपुरा जो है अपना लैंड बाउंड्री शेयर करती है एक दूसरे के साथ। तो ये मैंने आपको जिस्ट बताया यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज हुआ। ब्रू लीडर्स ने डिमांड किया था ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, क्योंकि अंडर सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने डिमांड किया था कि उन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की अनुमति दी जाए, बट मिजोज ने इनका विरोध किया। अभी बात चल ही रहा था कि एक ब्रू मिलिटेंट ग्रुप, जो कि वो अपने आप को बता रहा था कि वो ब्रू मिलिटेंट ग्रुप है, ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट से वो बिलोंग करता है, उन्होंने एक मिजो कम्युनिटी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का किडनैप किया, किडनैप करके कहाँ रखा, डंपा टाइगर रिजर्व में उसे रखा, और बाद में उसका मर्डर कर दिया गया, जिसके कारण मिजोज कम्युनिटी पूरी तरह से भड़क गई और उन्होंने क्या किया, ब्रू कम्युनिटी के विलेज पे अटैक किया, उनके गांव को जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया। इन सब के कारण हमारे ब्रू जो कम्युनिटी थे वो मिजोरम से भाग गए त्रिपुरा की ओर, और वहां अभी कैंप में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं नंबर, कम से कम 40,000 ब्रूज कम्युनिटी जो है 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम में रह रहे हैं, जबकि 32,000 अभी भी ब्रू कम्युनिटी जो कि मिजोरम से भाग के त्रिपुरा गई थी वो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। उन लोगों की इतनी बुरी दुर्दशा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफर को वो लोग नहीं मान रहे थे, वो लोग वापस मिजोरम जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन लोग बोल रहे थे कि उन लोग को अपने मन की जमीन चाहिए, वरना गवर्नमेंट जो साइट उन्हें लोकेट कर रही थी वो लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने उनके पैकेज को भी बंद कर दिया। वो लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट पैकेज पर है, गवर्नमेंट जो उसे खाना देती है वही खाते हैं, कुछ 1 रुपये 5 रुपये 2.5 रुपये कर करके पूरे परिवार को मिलता है ऐसे, मतलब उनकी कंडीशन काफी खराब है, लेकिन फिर भी वो त्रिपुरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चलिए मिजोरम को थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा मिजोरम, ये रहा हमारा त्रिपुरा, यहाँ पे कुछ इशू आया जिसके कारण ब्रू कम्युनिटी जो थी भाग के त्रिपुरा पहुंची, क्यों, क्योंकि ये नेबरिंग स्टेट है, लैंड बाउंड्री भी एक दूसरे के साथ शेयर करती है। थोड़ा सा स्टैटिक न्यूज पे नजर डाल लेते हैं मिजोरम का। इनकी नेबरिंग अगर स्टेट देखें तो त्रिपुरा हो गई, मणिपुर, असम, और फोक डांस जो है चिराऊ, सबसे बड़ा फोक डांस है हमारे मिजोरम का। गवर्नर है हमारे पीएस श्रीधरन पिल्लई, सीएम है जोरम थांगा, स्टेट एनिमल सुमत्रन सेराउ, स्टेट बर्ड मिसेस ह्यूम्स फीजेंट, ये किसी लेडी का नाम नहीं है बल्कि एक बर्ड का नाम है जो मिसेस ह्यूम के नाम पे दिया गया है। और आपसे एक और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिजोरम की स्थापना कब की गई, ये तो नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1972 में जो आया उसके तहत मिजोरम को पहले यूनियन टेरिटरी बनाई गई, उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिजो नेशनल फंड के द्वारा इन 1986 में जाके, उसके बाद फिर 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को पूरी तरह से एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब ये क्या था हमारा, अब न्यूज पर आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ब्रू कहां से, मिजोरम से त्रिपुरा क्यों भागी, कब भागी, क्या इशू हो रहा, वो लोग क्यों वापस नहीं आना चाह रहे हैं, तो इसलिए एक बार फिर से उन्होंने रीसेटलमेंट साइट के ऑफर को ठुकरा दिया। हर बार वो बार बार ठुकराते ही आ रही है, लेकिन इस बार उन्होंने फिर से ठुकरा दिया। इस बार भी उनका वही कहना है कि वो लोग सिर्फ उसी एरिया में जाएंगे जहां उन लोगों की मर्जी है। ब्रू ग्रुप्स हैव साउट रीसेटलमेंट ऑफ 6,500 फैमिली एट साइट्स ऑफ देयर चॉइस। 2019 में गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफर दिया गया था कि जो परिवार त्रिपुरा से छोड़ के मिजोरम वापस जाना चाहते हैं उन्हें 25,000 का एक बार एलोकेशन दिया जाएगा,
और उनको वहाँ सेटलमेंट करने में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प की जाएगी। बट फिर भी काफी सारे लोग वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनको अभी भी ये डर सताया जा रहा है कि मिजोस पीपल उन पर फिर से अटैक कर सकते हैं, उनकी स्थिति फिर से दयनीय हो सकती है। कम से कम त्रिपुरा में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट पैकेज के द्वारा उनका रोजी रोटी तो चल रहा है, मिजोरम में जाके पता नहीं उनको फिर से रोजी रोटी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और त्रिपुरा सरकार चाह रही है कि इनको जल्द से जल्द मिजोरम में भेजा जाए, क्यों? क्योंकि ये लोग जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिस जमीन पर इनको इनका रिलीफ कैंप लगाया गया, वो किसी और ट्राइबल ग्रुप का है। और आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काफी सारे हमारे ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो आज का थोड़ा सा ज्यादा न्यूज है क्योंकि स्टैटिक पोर्शन आज काफी ज्यादा है, सो हम अभी इससे थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं, ठीक है। हिंदू बिजनेस लाइन और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने एक 10 पार्ट का बाय मंथली वेबिनार सीरीज लॉन्च किया, और उस सीरीज का क्या वेबिनार का टाइटल क्या, स्मार्ट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर रिटेल इन्वेस्टर द डूज एंड डॉन्ट्स। ये आप ध्यान में रख सकते हो कि हिंदू बिजनेस लाइन ने किसके साथ मिलकर एक 10 पार्ट का बाय मंथली वेबिनार सीरीज लॉन्च किया, जिसका टाइटल था स्मार्ट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर रिटेल इन्वेस्टर। तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा ये सब क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ये वेबिनार का मेन टॉपिक क्या होगा, इसका मेन टॉपिक होगा व्हाट टू मेक ऑफ करेंट मार्केट वैल्यूएशन, व्हाई SIPs आर स्टिल द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, यानी इन्वेस्टर को थोड़ा सा बताया जाएगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को डिस्कस की जाएगी फॉर रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि कहाँ इन्वेस्ट की जाए करेंट सिचुएशन में, कहाँ से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकती, मार्केट की करेंट सिचुएशन को देखते हुए क्या चीज ज्यादा अभी उपयोगी हो सकता है, मार्केट का वैल्यूएशन की जाएगी, ये सब चीज को इस वेबिनार में बताया जाएगा, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे लॉग इन करिए, ऊपर QR कोड को स्कैन कीजिए, और ये अगस्त 8 को 5 PM में ये वेबिनार मेरा लाइव होगा। सॉरी, ये मेरा वेबिनार नहीं है बल्कि द हिंदू का और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का वेबिनार है। नडाल स्किप्स US ओपन, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोला जाता है नडाल को चैंपियन US ओपन का, उन्होंने काफी बार US ओपन को जीता है और नडाल ने उसे छोड़ दिया। क्यों उन्होंने बताया, रीजन की कोरोना वायरस के कारण अभी घर से बाहर निकलना सेफ नहीं है, सो मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। बट उन्होंने बोला है कि 3 महीने के बाद फिर से फ्रेंच ओपन होने वाला है, उसमें उन्होंने उम्मीद जताई है कि उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि US ओपन के ठीक बाद मंथ में होगा, 1 या 2 महीने बाद वो फ्रेंच ओपन होने वाला है। तो अब थोड़ा सा ये ओपन के बारे में जान लेते हैं, ग्रैंड स्लैम के बारे में जान लेते हैं कि ये सब क्या है। उन्होंने रीजन क्या बताया वो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि द सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड वाइड, द COVID-19 केस आर इंक्रीजिंग, इट लुक्स लाइक वी स्टिल डोंट हैव कंट्रोल ऑफ इट। यानी उन्होंने बोला कि कोरोना का वायरस का केस और बढ़ते जा रहा है, अभी तक हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर, सो अभी सेफ नहीं है बाहर जाके किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। चलिए, ग्रैंड स्लैम टोटल जो होता है टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम है जिसमें 4 पार्ट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US ओपन। यहां से आपके लिए एक न्यूज पूछा जा सकता है जो कि स्टैटिक न्यूज है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से सरफेस पे खेला जाता है, हार्ड सरफेस, फ्रेंच ओपन हमारा क्ले सरफेस पे, विंबलडन खेला जाता है ग्रास सरफेस, और US ओपन हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस मतलब कोर्ट, हार्ड कोर्ट, किस कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट। ग्रास कोर्ट को बोला जाता है काफी महंगा है क्योंकि इसको मेंटेन करने में काफी खर्च होता है, और ये वेन्यू दिया गया, वेन्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोर्ट को याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US ओपन ये किस किस कोर्ट में खेला जाता है। अब चलिए चैंपियंस को देख लेते हैं, रोजर फेडरर, ये आदमी जो है हमेशा किसी को भी मोटिवेट कर सकता है, इतना एज होते हुए भी ये सबसे ज्यादा टाइटल जीतता है, देख सकते हैं सबसे ज्यादा टाइटल इन्हीं के नाम पे, 20 ग्रैंड स्लैम इनके नाम पे, राफेल नडाल उनसे थोड़े से पीछे 19, नोवाक जोकोविक 17। और आपको मैंने बोला था कि फ्रेंच ओपन के बादशाह कौन है, राफेल नडाल, विंबलडन के कौन है, रोजर फेडरर, और ऑस्ट्रेलियन ओपन के जोकोविच, यानी तीनों ने अपना एक एक फील्ड हथिया के रखा हुआ है कि इसके वो बॉस हैं, इसलिए तो रोजर फेडरर को बोला जाता है कि ग्रास कोर्ट के वो चैंपियन है, राफेल नडाल को बोला जाता है कि वो क्ले कोर्ट के चैंपियन है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। अजय त्यागी गेट्स 18 मंथ एक्सटेंशन एज सेवी चेयरमैन, उनका कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला था बट उनको फिर से 18 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया। तो 2017 में उन्होंने कार्यभार संभाला था, अब उनका कार्यभार सितंबर 2020 से बढ़ा के फिर से 28 फरवरी 2022 तक किया गया।
अजय त्यागी 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो कि हिमाचल प्रदेश कैडर से थे। उनको 2017 में 3 साल के लिए पहले चुना गया था, बट अब फिर से 18 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया उन्हें। तो सेबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेबी क्या होता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके मेंबर्स के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद इनका स्टैटिक पोर्शन देखेंगे। एक चेयरमैन होता है जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। 2 मेंबर होता है जिसमें से दोनों मेंबर जो होना चाहिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर होना चाहिए। 1 मेंबर होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और बाकी 5 मेंबर जो होने चाहिए वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 3 जो है होल टाइम मेंबर होना चाहिए। यानी टोटल मेंबर कितना हुआ, 1 चेयरमैन 2 मेंबर, 2 1 3 3 1 4 5 9, यानी 9 मेंबर, 1 चेयरमैन, 2 मेंबर जो है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर होना चाहिए, 1 मेंबर आरबीआई से होना चाहिए, 5 मेंबर जो होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 3 जो है होल टाइम मेंबर होने चाहिए। अब सेबी का मेन काम क्या है? सेबी का मेन काम होता है ये एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। इट इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये रेगुलेटर है सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट का, ये सब चीज को रेगुलेट करता है, जिसका एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, बट इनको इसको स्टेचुटरी पावर दी गई थी 1992 में थ्रू सेबी एक्ट 1992। यानी कि इसको एस्टेब्लिश तो पहले की गई बट इसको स्टेचुटरी पावर नहीं दी गई, क्योंकि इसको किसी एक्ट से उस टाइम नहीं बनाया गया था, बाद में 4 साल बाद इसको सेबी एक्ट के थ्रू स्टेचुटरी पावर दी गई। इसका हेड ऑफिस जो है हेडक्वार्टर है मेरा मुंबई में, रीजनल ऑफिस है अहमदाबाद कोलकाता चेन्नई एंड दिल्ली। इसके जो फंक्शन मेन फंक्शन आते हैं वो 3 लोगों के लिए आते हैं, एक इश्यूअर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, इंटरमीडियरीज के लिए। इश्यूअर कौन होता है जो कि सिक्योरिटीज को इशू करता है, इन्वेस्टर कौन होता है जो कि उसमें इन्वेस्ट करता है, और इंटरमीडियरीज कौन होता है जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर, अंडररराइटर्स, ये सबको इंटरमीडियरीज कहते हैं। इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है ये एक रेगुलेटर का काम करता है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया में। यहाँ पे हमने देख लिया कि सेबी का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को भी देख लिया, उनको कब स्टेब्लिश किया गया, स्टेचुटरी पावर उसे कब मिली। एक और न्यूज की ओर चलते हैं, अटल इनोवेशन मिशन डिक्लेयर्स रिजल्ट ऑफ 8 ईयर टिंकरिंग मैराथन 2019। यानी कि अटल इनोवेशन मिशन ने 8 ईयर टिंकरिंग मैराथन 2019 का रिजल्ट दे दिया है। इसका रिजल्ट का थोड़ा सा आपको ये रिजल्ट देखकर काफी आश्चर्य होगा कि इसमें 42% जो विनिंग टीम है वो रूरल एरिया के हैं, यानी कि गांव से आते हैं, और 57% जो वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, और उसमें से भी 45% जो है गर्ल्स है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना गांव के लोगों के लिए काफी अच्छा है, गांव के लोग कितना आगे आके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि 42% जो विनिंग टीम रूरल एरिया के, ये काफी ज्यादा मायने रखता है। 57% गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, लोग बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे ज्यादा तेज होते हैं, बट आप देख सकते हैं विनर कहाँ के ज्यादा हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे विनर ज्यादा हैं। चलिए, एटीआर टिंकरिंग मैराथन 2019 जो हेल्ड किया गया था, अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा हेल्ड किया गया था, और पार्टनरशिप किसके साथ था इसका, माई गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ इसका पार्टनरशिप था। तो हमने जाना यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग मैराथन के बारे में। तो इसका बैकग्राउंड न्यूज थोड़ा सा देख लेते हैं, अटल इनोवेशन मिशन क्या होता है, अटल टिंकरिंग मैराथन किसके द्वारा कराया गया था, प्रोग्राम किसके द्वारा कराया गया था, ये कराया गया था अटल टिंकरिंग लैब विथ माई गवर्नमेंट के साथ। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसका स्टैटिक न्यूज कि अटल इनोवेशन मिशन क्या होता है। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है बाय नीति आयोग, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। यानी कि इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को पूरे देश में फैलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, लोगों को इसके बारे में बताने के लिए, इसके बारे में डिटेल स्टडी कराने के लिए लोगों को, ये इसका अटल इनोवेशन मिशन का मेन एम है, और ये नीति आयोग के द्वारा सेटअप किया गया। अटल इनोवेशन मिशन के अंदर ही आता अटल टिंकरिंग लैब्स टू प्रमोट क्रिएट इनोवेटिव माइंडसेट इन स्कूल। अटल टिंकरिंग लैब्स अब क्या है, अटल टिंकरिंग में लैब्स बोला जाता है कि एक वर्क स्पेस को बनाया जाएगा जो कि 1200 से 1500 स्क्वायर फीट का होगा, जिसको फंड दिए जाएंगे अराउंड 20 लाख का गवर्नमेंट के द्वारा। ये किसी भी स्कूल में बनाया जा सकता है जहां की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब के बारे में रिसर्च किया जाएगा, इन सब के बारे में लोगों में क्रिएटिविटी जगाई जाएगी, नए नए इनोवेशन किए जाएंगे, और ये बच्चे के लिए होगा जो कि ग्रेड 6 to grade 12 में पढ़ रहे हैं, यानी कि 6 क्लास से लेकर 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चे तक के लिए ये
अटल टिंकरिंग लैब्स होगा जो कि इनोवेटिव आइडिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसमें हेल्प प्रदान करेगी 20 लाख का ग्रांट देकर। तो मैंने जो जो चीज यहाँ पे डिस्कस किया था, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा ये एटीएल टिंकरिंग मैराथन कराया गया, और इसको कराया किसके द्वारा गया था, अटल टिंकरिंग लैब्स के द्वारा, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। बचा आपका माई गवर्नमेंट इनोवेटिव, उसको भी हम लोग नेक्स्ट न्यूज में देख ही लेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड एक न्यूज आ रहा है हमारा। NIDM in collaboration with IMD organizes webinar series on hydrometeorological hazard risk reduction। यानी कि NIDM यहाँ पे क्या है, National Institute of Disaster Management, और IMD सबको पता ही होगा, India Meteorological Department। ये दोनों ने मिलकर एक वेबिनार को लॉन्च किया है जिसका नाम है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क रिडक्शन। इस वेबिनार का नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखें, और किसने किसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया, ये यूपीएससी के लिए काफी, और या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके अंदर, इस वेबिनार के अंदर क्या क्या है फोकस टॉपिक, थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। जैसा कि अभी करंट में आप लोगों ने काफी न्यूज सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में काफी लोग लाइटनिंग के कारण और थंडर स्टॉर्म के कारण मारे गए। क्लाउड बर्स्ट, फ्लड, साइक्लोन, स्टॉर्म सर्ज, क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ये सब इस वेबिनार का टॉपिक होगा। तो इसके बारे में आपने करंट देख लिया कि करंट में भी क्या चल रहा है, कि NIDM ने IMD के साथ मिलकर एक वेबिनार लॉन्च किया जिसका मेन कंटेंट होने वाला है हमारा लाइटनिंग पे, थंडर स्टॉर्म पे, क्लाउड बर्स्ट पे, फ्लड पे, साइक्लोन पे, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पे। तो अब इसका थोड़ा सा स्टैटिक न्यूज जान लेते हैं, NIDM क्या है, IMD क्या है, जो आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक न्यूज के लिए इतना आपका काफी है, सॉरी करेंट न्यूज के लिए इतना न्यूज आपके लिए काफी है। अब चलते हैं स्टैटिक न्यूज की ओर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, ये एस्टेब्लिश किया गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर ही बनाया गया था, इसलिए मैं NDMA को डिस्कस कर रहा हूँ। 2005 के एक्ट के तहत NDMA को एस्टेब्लिश किया गया और इसको पूरी तरह से कंस्टिट्यूट किया गया 2006 में दिसंबर में। ये स्टेचुटरी बॉडी है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री। आपको पता है कोई भी चीज अगर एक्ट के तहत बनाया जाए तो उसे स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं, अगर उसके बारे में कंस्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा गया तो उसको कंस्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, कोऑर्डिनेट करना, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, मैन मेड डिजास्टर हो, और लोगों को उसके लिए तैयार करना, क्राइसिस रिस्पांस देना, ये हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मेन काम है। और इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। अभी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का क्या मतलब है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे आपको ऑटोमेटिकली ये पोस्ट मिल गया, इसके लिए आपको कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई भी नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है, इसी को बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अब मैंने वहां पे देखा था कि NIDM इन कोलाबरेशन विद IMD, तो मैंने NIDM के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया कि वो आता है हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर। अब हम लोग चलते हैं IMD में कि ये IMD क्या है। IMD है मेरा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये काम करती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। इसका मेन एजेंसी के में, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, मेन एम क्या है, ये क्या काम करती है, मेन फंक्शन वेदर फॉरकास्टिंग। आप लोग पता है जितना भी इंडिया में वेदर फॉरकास्टिंग का काम होता है वो IMD के द्वारा ही किया जाता है। जितने भी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो सिस्मोलॉजी से रिलेटेड ही क्यों ना हो, वो सारा काम हमारा IMD के द्वारा ही किया गया है। भूकंप आया, कितने रेक्टर स्केल का आया, ये सारा काम कौन करता है, हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। इसका हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली में है, बट इसके काफी सारे और भी ऑब्जर्वेशन स्टेशन है जो कि इंडिया में और अंटार्कटिका में भी इसके ऑब्जर्वेशन स्टेशन है। रीजनल ऑफिस हमारी मुंबई, कोलकाता, नागपुर एंड पुणे में भी है, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड में 6 रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, और IMD उसमें से एक है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड की 6 सबसे बड़ी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक हमारे इंडिया का भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसका मेन काम है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि नॉर्दर्न इंडियन ओशियन रीजन में आएगा, जिसमें कि मलाइका स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, यानी कि इन सब एरिया में चाहे जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आए, चाहे जो भी फॉरकास्टिंग करने रहे, जो भी तरह के डिजास्टर आने वाला रहे, वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, फॉरकास्ट करना, वो हमारा IMD को काम दिया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं जो कि है ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लिफ्टेड अबाउट 118 लाख मेट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन फॉर एनएफएसए बेनिफिशरीज, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो जो बेनिफिशरीज था उसको 118 लाख मेट्रिक टन के फूड ग्रेन को दिया गया। ये कि आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि जो कि 93.5% है, जो कि 93.5% ऑफ एलोकेटेड फूड ग्रेन फॉर द पीरियड बिटवीन अप्रैल एंड जून, अप्रैल एंड जून के बीच जितना सारा फूड ग्रेन को एलोकेट किया गया था उसमें से 93.5% फूड ग्रेन को उठा लिया गया है स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कंडीशन कितना ज्यादा खराब है, लोग खाने दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, कई सारे लोगों की रोजी रोटी सब चौपट हो चुकी है, तो अब वो गवर्नमेंट के ही भरोसे हैं। बाकी यहाँ पर से कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट एक चीज मैंने कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बताया था, ये फिर से उस न्यूज को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे देख लेते हैं एनएफएसए के बारे में कि एनएफएसए क्या है। एनएफएसए है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको ऑल्सो बोलते हैं राइट टू फूड एक्ट। ये पार्लियामेंट का एक एक्ट है जिसका मेन काम है कि लोगों तक, गरीब लोगों तक सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन को पहुंचाना। ये कि 12 सितंबर 2013 को साइन किया गया, बस इसका जो इफेक्ट था वो रेट्रोएक्टिव इफेक्ट था जो कि 5 जुलाई 2013 से था। रेट्रोएक्टिव इफेक्ट मतलब क्या हो जाता है, आप कुछ भी काम अभी कर लो बस उसको इफेक्ट में ला दो साल पहले से, यानी कि आपको एक लॉ बना आज से और उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालो 2019 से, यानी 2019 से लेकर अभी तक उसके उस लॉ के अंदर जो जो गुनाह किए जाएंगे उसको सजा इस रूल के तहत दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग रेट्रोएक्टिव इफेक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ही अंदर आता है मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब का लीगल एंटाइटलमेंट हमारा एनएफएसए के अंदर ही है। और एनएफएसए बेनिफिशरीज ने ही एनएफएसए बेनिफिशरीज के तहत ही ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड कराती है, चाहे वो राशन कार्ड हो, बीपीएल कार्ड हो, या जो भी कार्ड के थ्रू, कई कई सारे स्टेट के अपने अलग अलग कार्ड भी होते हैं। इंडिया एक्सटेंड्स लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $18 million टू मालदीव फॉर एक्सपेंशन ऑफ फिशिंग फैसिलिटीज एट MIFCO, यानी कि मालदीव इंडस्ट्रियल फिशीज कंपनी में फिशिंग को बढ़ाने के लिए, फिशिंग फैसिलिटी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करने के लिए, फैलाने के लिए, बड़ा करने के लिए मालदीव को भारत सरकार के द्वारा $18 million का एक्स्ट्रा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया। ऑलरेडी $800 million का लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया के द्वारा ऑफर किया गया, जिसका टेन्योर दिया गया है 20 साल और 5 साल का मॉरिटोरियम पीरियड भी दिया गया है। उसके बाद अब ये फिर से $18 million एक्स्ट्रा लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव को दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो कि वो लोग फिशिंग फैसिलिटी को मालदीव में एक बढ़ा सके, क्योंकि फिशिंग जो है वहां के लोगों का एक बोला जाता है कि इकोनॉमी का सबसे बड़ा चीज वही है फिशिंग एक्टिविटी से ही लोगों को वहां ज्यादा इकोनॉमिक फायदे होते हैं। इकोनॉमी, वहां की इकोनॉमी के लिए फिशिंग एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है, और भारत और मालदीव के बीच अच्छे रिलेशन है, सो हमेशा भारत इंडिया हमारा मालदीव का सपोर्ट करते रहता है। यहाँ पे एक वर्ड आया था कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, काफी लोगों को पता नहीं होगा कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, नाम तो आपने काफी बार सुना होगा। ये एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि बैंक के द्वारा या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक गवर्नमेंट को, एक बिजनेस को, या फिर एक इंडिविजुअल कस्टमर को दिया जाता है, जो कि कस्टमर को एनेबल करता है कि टू ड्रॉ ऑन द फैसिलिटी व्हेन द कस्टमर नीड्स फंड। मान लिया जाए जैसे कि एक ए इंसान है, एक बी इंसान है, ए ने लाइन ऑफ क्रेडिट ₹10 का बी के नाम पे दिया कि आपके नाम पे हम लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है, बी को जरूरी नहीं कि वो क्रेडिट अभी ही ले, बी को भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ेगा तो वो जाके वो ₹10 वहां से ले सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि जब उसको जरूरत पड़े अपने जरूरत के हिसाब से उस फंड को वो ले सकता है। यहाँ पे आया है मालदीव्स, तो चलिए आज कहीं का सैर नहीं कराया मैंने, तो चलिए आज सैर कराता हूँ आपको मालदीव्स की। मालदीव यहाँ पर एक छोटा सा देश है, आपको यहाँ पर दिख भी नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा जूम करना होगा जो कि मालदीव आपको दिखे। यस, देखिए अब मालदीव आपको दिखना स्टार्ट हो गया। यही हमारा थोड़ा सा छोटा सा आइलैंड कंट्री मालदीव्स, इसलिए इंडिया हमेशा इसको सपोर्ट करते रहता है। थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा ज्यादा डिटेल्स देखने के लिए। इसकी राजधानी है माले, ये देखिए यही हमारी आइलैंड कंट्री है मालदीव, इंडिया के ठीक नीचे है। अब जूम आउट करके देख लीजिए यहाँ पर से इंडिया कितनी दूर है। ये रहा हमारा मालदीव्स, ये रहा हमारा प्यारा भारत। देखिए मैंने फिर से मालदीव्स का सैर करा दिया। मालदीव्स एक काफी अच्छा डेस्टिनेशन प्लेस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस इसको बोला जाता है।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, जो कि है 21st सेंचुरी इज एन एरा ऑफ नॉलेज, पीएम मोदी के द्वारा बोला गया है ये। इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इसमें बताया है, बाकी इसमें कुछ भी ज्यादा खास नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इसमें एक पॉइंट मुझे जो खास लगा, जिसके कारण मैंने इस एग्जाम न्यूज को कंसिडर किया है, वो है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव। और इन्होंने एक चीज और अनाउंस किया है कि क्लास 1 से लेके क्लास 12th के बच्चों के लिए एक टीवी चैनल होंगे और एक रेडियो रेडियो चैनल होंगे, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी बनाया जाएगा, जो कि बच्चों को पढ़ाई से लेके सब कुछ का ज्ञान दे सके, जिसको बोलते हैं बिहेवियरल नॉलेज और एजुकेशनल नॉलेज दोनों साथ ही साथ दिया जा सके। ए मैकेनिज्म कॉल्ड मनोदर्पण हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड साइकोसोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट। और एक मैकेनिज्म को लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है मनोदर्पण, जो कि विद्यार्थियों को साइकोसोशल सपोर्ट भी दिया जाएगा। टीचर्स एंड पेरेंट्स को मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के बारे में भी बताया जाएगा। आपको पता है सुसाइड का रेट काफी ज्यादा इंडिया में बढ़ रहा है, लोग फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर जाते हैं, किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, सुसाइड कर जाते हैं। उन लोगों को साइको सोशल सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत होती है, उन लोगों के मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने मनोदर्पण नाम का ये मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया है। अब हम लोग चलते हैं न्यूज पे, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन इसका देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव क्या है। ये प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव जो है हमारे ध्रुव तारा के नाम पे रखा गया है। इसका मेन काम ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है, जिसको अब एजुकेशनल मिनिस्ट्री भी बोल दिया गया है नाम चेंज करा के, ये पहले का ही नाम मैंने लिखा था। इसमें यह है कि टैलेंटेड बच्चों को उनके स्किल को इनरीच करने में, उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा, जहां पे उन बच्चों को लाके मेंटर्ड किया जाएगा, नर्चर किया जाएगा एक्सपर्ट के देखरेख में, और वो अपने फुल पोटेंशियल से काम कर सकें। यानी कि अगर आप तेज हो, स्किल्ड हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, नॉलेजेबल बच्चे हो, तो आपको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में रखा जाएगा, वहां पे आपको मेंटर्ड किया जाएगा अच्छे से अच्छे फैसिलिटी फैकल्टीज के द्वारा, जो कि आप अपने फुल पोटेंशियल से देश की तरक्की में काम कर सको, इसलिए इसका नाम ध्रुव तारे के नाम पे दिया गया है। इसका मेन प्रोग्राम का मेन एम ही ये है कि स्टूडेंट को उसके पूरे कंप्लीट पोटेंशियल की जानकारी देना, कि वो क्या कर सकता है और वो अब कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन प्रदान कर सकता है। ये साइंस एंड आर्ट्स को ही कवर करता है, ये एक चीज थोड़ा इसका प्रॉब्लम है, कॉमर्स सारे सेक्शन को लेना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, बट ये टू एरियाज को कवर करता है, साइंस एंड आर्ट्स को कवर करता है। इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था इसरो से, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। हर साल ब्रॉडली 60 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है क्लास 9 से क्लास 12 के ऑल ओवर द कंट्री। ये था हमारा ध्रुव के बारे में थोड़ा सा न्यूज। ये पर्सन स्पेसिफिक न्यूज है कि फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम शिवाजीराव पाटिल निलांगेकर अब नहीं रहे, वो स्वर्ग सिधार गए, इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्रीफ जाहिर किया। ये थोड़ा सा पर्सन स्पेसिफिक न्यूज था, आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंट में जो डेथ हुआ वो महाराष्ट्र के सीएम थे उनका क्या नाम था, इस टाइप्स का न्यूज आपसे पूछा जा सकता है। कल का न्यूज ये काफी खतरनाक न्यूज है, मैं जब वोकैब का क्लास लूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि आज कौन सा डे है, और उससे ठीक एक दिन पहले कुछ वैसा ही धमाका हुआ लेबनान में, और लेबनान एक कंट्री है, वहां के राजधानी है बेरत, वहां के एक बंदरगाह पे अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था, जिसमें कि उसी के कारण से बोला जा रहा है कि काफी ज्यादा बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसमें लगभग यहाँ पे तो 100 दिया जा रहा है, बट ये करेंट न्यूज इतना है कि लगभग 150 लोगों की जान जा चुकी है और 4,000-5,000 के करीब लोग घायल हो चुके हैं। तो आपको चलिए एक बार मैं घुमा के लाता हूँ लेबनान से, भले ही यहाँ से आप कंडीशन नहीं देख सकते, बट एक बार लेबनान की मैं यात्रा आपको कराता हूँ। ये हमारा प्यारा भारत, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं जो कि इंडिया से कंपेयर करने में आसानी रहेगी। ये हमारा प्यारा भारत, भारत। चलिए देखते हैं कि अब ये लेबनान कहाँ है। लेबनान आपका सीरिया के आसपास की कंट्री है, सीरिया आपको दिखा, ये रहा सीरिया और ये रहा हमारा लेबनान। थोड़ा सा और जूम करके हम लोग बेरत भी चलते हैं, जहाँ पे ये तहलका हुआ है, जहाँ पे ये धमाका हुआ है। इसकी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी सोशल मीडिया पे, काफी वायरल हो रही है। ये रहा हमारा बेरूत, ये एक बंदरगाह टाइप का, यहीं पर बोला जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट को काफी साल पहले पकड़ा गया था, उसको यहाँ पे स्टोर किया गया था, जो कि इलीगल तरीके से स्टोर किया गया था, जिसके ऊपर कोई निगरानी नहीं थी, जिसके ऊपर कोई सेफ्टी उपटी नहीं थी, इस टाइप के बात बोले जा रहे हैं, बट ये अभी तक बोले जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऑफिशियल न्यूज ऐसा कुछ आया नहीं है, इसलिए मैं इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं दूंगा, जैसे ही ऑफिशियल न्यूज आएगा मैं आपको बताऊंगा। सो ये हमारी लेबनान कंट्री है, इंडिया के कंपेयर में आप इसको देख सकते हैं।
सॉरी जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ भारत के कंपेयर में। ये रहा हमारा लेबनान और ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूज की ओर। बोला जा रहा है कि कम से कम ब्लास्ट जो हुआ है 2750 टॉन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ है। यानी कि आप लोग सोच सकते हैं कितना ज्यादा ये है अमोनियम नाइट्रेट। साइंस के स्टूडेंट जो होंगे वो पता, उनको पता ही होगा अमोनियम नाइट्रेट का यूज फर्टिलाइजर के रूप में भी किया जाता है और बॉम्ब बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसका साउंड जो है 240 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ा। आइलैंड ऑफ साइप्रस में भी इसका साउंड सुनाई पड़ा था जो कि वहां से 240 किलोमीटर दूर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना ज्यादा बड़ा होगा। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आप लोग जाके पढ़ें। ये अमोनिया और फिर नाइट्रिक एसिड से मिलकर बनता है, यानी कि NH3 और HNO3 से मिलकर ये बनता है। तो अब इसका क्या होगा केमिकल इक्वेशन वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, वरना मैं कल फिर इसे बता दूंगा। CCRT के द्वारा एक नेशनल लेवल पे पेट्रियोटिक पोएम कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है इंडिपेंडेंस डे के एज अ सेलिब्रेशन ऑफ एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। और इसमें जो भी लोग विजेता होंगे उसको कैश प्राइज दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज वो होगा 15,000 का होगा, सेकेंड प्राइज 7,500, थर्ड प्राइज 6,000 का। और ये जो आपका पोएम होना चाहिए पेट्रियोटिक पोएम होना चाहिए जिसमें कि 10 से लेकर 14 साल के कोई भी बच्चे भाग ले सकते हैं। अपना रिटेन पोएम किसी भी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो कि हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन है। आपको पता है 8th शेड्यूल में हमारे कितना लैंग्वेज मेंशन है, 22 लैंग्वेज को मेंशन किया गया। यानी 22 लैंग्वेज में से आपको जिसमें पकड़ है उसमें से आप किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करके आप पेट्रियोटिक पोएम लिख सकते हैं और अपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस बट आपका एज ग्रुप जो होना चाहिए 10 से 14 साल के बीच होना चाहिए। फर्स्ट किया तो 15,000, सेकंड किया तो 7,500, थर्ड किया तो 6,000 और कंसोलेशन प्राइज अगर सिर्फ आपने पार्टिसिपेट भी किया तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। और इसका सबमिशन का लास्ट डेट है 11:30 बजे 7 अगस्त, यानी 7 अगस्त 11:30 बजे इसका लास्ट डेट है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं कि CCRT क्या है। CCRT का फुल फॉर्म है द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। इसका मेन एम क्या है ना कि एजुकेशन में कल्चर को इंट्रोड्यूस कराना, यानी कि एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कल्चर के साथ रिलेट करके चलना, यही इसका मेन काम है। वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लिंकिंग एजुकेशन विद कल्चर, यानी एजुकेशन को कल्चर के साथ रिलेट करना, लिंक करना, इसका CCRT का मेन काम है। 1979 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था कमला देवी चट्टोपाध्याय और कपिल वात्स्यायन के द्वारा। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा दिल्ली में है। इसके काफी सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज स्टूडेंट को भी लेके, चैलेंज चिल्ड्रन को भी लेके। कल्चर का रोल क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये इनके द्वारा बताया जाता है। यानी मेनली ये चाहते हैं कि कल्चर को हम अपनी संस्कृति को हम अपनी सभ्यता को अपनी पढ़ाई में इंक्लूड करें। आज का लास्ट न्यूज हम लोग चलते हैं कि फाइनली गोवा ने भी माई गवर्नमेंट पोर्टल को इंट्रोड्यूस कर दिया। 12 स्टेट ऑलरेडी माई गवर्नमेंट पोर्टल को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, अब गोवा ने भी कर दिया। वो कौन कौन सा 12 स्टेट है वो थोड़ा सा देख लीजिए। महाराष्ट्र, यहां से देख सकते हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये 12 स्टेट ऐसे थे जो ऑलरेडी अपना माई गवर्नमेंट पोर्टल बना चुके हैं, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में अपने स्टेट में लोगों को अवगत करा चुके हैं। अपने स्टेट के लिए उन्होंने अलग से माई गवर्नमेंट पोर्टल बनाया। अब गोवा भी इस चीज में जुड़ चुका है, गोवा ने भी अपना माई गवर्नमेंट पोर्टल बना लिया है। अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन स्टैटिक इसका देख लेते हैं कि माई गवर्नमेंट पोर्टल क्या होता है। माई गवर्नमेंट, जिसको हिंदी में आप लोग मेरी सरकार बोल सकते हैं, ये सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फाउंड किया गया, जिसमें क्या है ना कि लोग आम पब्लिक जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ मतलब एक बातचीत में आ सकती है किसी भी पॉलिसी को लेकर, किसी भी लॉ को लेकर। चाहे कोई भी बिल आया हो आप अपना सुझाव गवर्नमेंट को दे सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपना वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड प्लान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। ये हमारा माई गवर्नमेंट पोर्टल। आप इसमें अपना डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिसर्च किया हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं वेरियस फॉर्मेट में।
इसको मैनेज किया जाता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा, जो कि आता है मेरा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। ये काफी अच्छा है, इसमें बोला जाता है कि यूथ को सरकार से द्वारा इंटरेक्ट करने में काफी मदद मिली। ये मोदी सरकार की काफी अच्छी एक पहल है, जिसमें कि लोग अपना सजेशन दे सकते हैं, लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किसी पॉलिसी को लेके। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, आज के करंट अफेयर समझ में आया हो। सो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, और आपको अगर हमारा कंटेंट समझ में आ रहा, पसंद आ रहा, तो बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और वो किसी कोचिंग की फी बियर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि इस चैनल पे आपका सब कुछ हमेशा फ्री रहेगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा, अगर पसंद आ रहा हो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आर माई चैनल। इसके तुरंत बाद हम लोग हाफ एन आवर के अंतराल पे हिंदू एडिटोरियल का वोकैब भी डालेंगे, सो आपको उसको भी देखना चाहिए, वो भी काफी अच्छा रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद।